हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह है। सीडी विवाद अभी जोरों शोरों पर चल रहा है। सीडी विवाद पे बेबाक बेखौफ डॉक्टर गोविंद सिंह ने बोला है कि हमारे पास बीजेपी और आरएसएस की असलील सीडी है, जिस पे बीडी शर्मा ने बोला है अगर औकात है तो दिखाइए। और नरोत्तम मिश्रा बोलते हैं सीडी खराब हो जाएगी, रखे रखे जल्दी दिखा दीजिए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बीडी शर्मा जी ने जो कहा है मेरे बारे में कि उनकी औकात क्या है, वास्तव में मेरी कोई औकात नहीं है। वे बड़े नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, सरकारी पार्टी के, और लेकिन उनकी औकात से हमारा कोई मुकाबला नहीं। उनकी औकात है कि उन्होंने सरकार पर दबाव डालकर कानून और नियमों के विपरीत जबलपुर विश्वविद्यालय में अपने ससुर साहब को वाइस चांसलर बनवा दिया। उनकी औकात है और हैसियत है कि उन्होंने अपने पत्नी को डेपुटेशन पर अच्छे पद पर भोपाल में पदस्थ करा दिया। और उनकी औकात है कि अपनी सरकार में उनके विरुद्ध व्यापक घोटाले में एसटीएफ के एडीजी विपिन महेश्वरी द्वारा उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ। मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का, और मैंने उनको चुनौती स्वीकार करता हूँ। उन्होंने न्यायालय जाने की बात की है, मैं कहता हूँ न्यायालय में जाएं। मैं जो सीडी है वो गोपनीय तरीके से न्यायालय में प्रस्तुत कर दूंगा, और अगर उनको सीडी देखना है तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनको आमंत्रित करता हूँ, मेरे निवास पर आएँ, मैं उनको माला पहनाकर स्वागत करूँगा और उनको अपने घर बैठ कर आराम से सीडी देखने के लिए दूंगा। सीडी में देख लें कि आपकी पार्टी के लोगों ने क्या क्या कृत्य किए हैं। तो लेकिन सार्वजनिक रूप से मैं किसी को अपमानित करने का, ये हमारी पार्टी का मेरी खुद का ना हमारी संस्कृति है ना हमारी आदत है। नरोत्तम मिश्रा कहते हैं सीडी खराब हो जाएगी, रखे रखे उसको सार्वजनिक करिए, कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत है, कोर्ट में दिखाने की क्या ज़रूरत है, इतने जल्दी नहीं हो पाएगा, आप यहीं दिखा दीजिए, सार्वजनिक तौर पे रख दीजिए सीडी। क्यों रख दूँ, हमारे सम्मान है, इतनी गंदी सीढ़ियाँ मैं देश के छोटे छोटे बच्चों को, हमारी महिलाएँ बहनों को मैं दिखाऊँ? ये हमारा कल्चर नहीं है। और मैंने तो ये कहा कोर्ट में जाने का, उन्होंने हमें धमकी दी है कि मैं कोर्ट में जाऊँगा, तो मैंने उसका जवाब दिया है कि आप सायर्स कोर्ट में जाएं, मैं वहाँ उजागर करूंगा, लेकिन आपके कहने से आप आ सकते हैं, देख सकते हैं। बीडी शर्मा का मैं कोई उनकी अनुयायी नहीं हूँ कि उनके कहने से मैं अभी सार्वजनिक सीडी कर दूँ, उनको व्यक्तिगत देखना है तो मैं दिखा दूँगा, आ जाएं, स्वागत है उनका हमारे बंगले में, आमंत्रित करता हूँ उनको अपने बंगले पर आने का।